तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन पर और हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। अब हम यहां से जाएंगे शिमला। तो गाइस, आप सामने देख सकते हैं ये सारी टॉय ट्रेन है। ये ट्रेन जो सामने जा रही है ये भी टॉय ट्रेन है, लेकिन हमें इस ट्रेन से नहीं जाना है। हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर बाद आएगी जिसका टाइम 6:20 का है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि हम थोड़ा पहले पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। हम थोड़ा वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। सो गाइज, हम बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन के अंदर और आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन अंदर से कैसी बनी हुई है। आप ऊपर की साइड से देख सकते हैं पूरी ट्रांसपेरेंट है ताकि आप यहां से नेचर का पूरा एंजॉय कर सकें। अगर आप भी टॉय ट्रेन से जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसका रिजर्वेशन आपको कम से कम 1 महीना पहले करा लेना होगा, तभी आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज इसका रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, एंड टू एंड नहीं मिल पाता इसका रिजर्वेशन। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन ना लेकर डायरेक्ट स्टेशन से टिकट लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन जनरल का मिलेगा, उसमें सीट बहुत ही मुश्किल से मिलती है, इसलिए आप रिजर्वेशन करा कर ही जाएँ। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है टॉय ट्रेन के बाहर का। आप अगर टॉय ट्रेन से जा रहे हैं तो आपकी शिमला तक की जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपकी जर्नी, आपका जो ट्रिप है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ से भी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। इस रूट पर आपको काफ़ी सारे टनल्स भी देखने को मिलेंगी जिसमें से ट्रेन होकर गुजरती है, इसमें काफ़ी मज़ा आता है, लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। गाइज, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसके बाद हम मिलते हैं सीधा शिमला रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शिमला के रेलवे स्टेशन पे और आप देख सकते हैं शिमला का रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहां से भी आपको काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे, पहाड़ों का आप मज़ा ले सकते हैं यहां से। अगर आपने शिमला जाने का प्लान बनाया है तो टॉय ट्रेन से ही जाएँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है गाइस, बहुत मज़ा आया है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताते हैं शिमला में कहाँ कहाँ घूमने की जगह हैं, तो देखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।